हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी बाड़मेर जिले के पचपदरा थाने में पचपदरा पुलिस चौकी से ही पुलिस द्वारा जब्त किया गया 10 क्विंटल अवैध दोदा पोस्त चोरी हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही बालोतरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने प्रारंभिक जांच पड़ताल कर पचपदरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस चौकी पचपदरा में प्रकरण संख्या 106/19 में दोदा पोस्त से भरे 31 कट्टे एवं प्रकरण संख्या 177/19 में दोदा पोस्त से भरे 21 कट्टे को अज्ञात चोरों ने कमरे की खिड़की तोड़कर 10 क्विंटल 58 किलोग्राम दोदा पोस्त चोरी कर लिया। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने आनन फानन में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। वहीं पूरे प्रकरण की जांच बालोतरा उपाधीक्षक धनफूल मीणा कर रहे हैं। पुलिस उपाधीक्षक धनफूल मीणा के मुताबिक दो प्रकरणों में 10 क्विंटल 58 किलोग्राम अवैध दोदा पोस्त पुलिस द्वारा जब्त किया गया था। बालोतरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने प्राथमिक जांच कर प्रकरण पंजीबंद करवाया था। अप्रैल माह में दोदा पोस्त चोरी हुआ था। पुलिस ने करीब 5 माह तक प्रारंभिक जांच करती रही और आखिर में 8 सितंबर को पुलिस ने पचपदरा थाने में दोदा पोस्ट चोरी का प्रकरण दर्ज किया है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए बालोतरा के पुलिस उपाधीक्षक धनफूल मीणा, इन्होंने ये कहा, भाई 2019 में प्रकरण संख्या 176/177 ये मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें तो दोनों मुकदमों में 1058 किलो दोदा पोस्ट बरामद मुलजिमान से बरामद किया गया था। थाना पचपदरा परिसर के एक कॉर्नर साइड में पुलिस चौकी पचपदरा है, जिसके पिछवाड़े की तरफ कमरों में ये डोडा चूरा रखा हुआ था। 2019 से दो तीन जो मालखाना इंचार्ज बदल गए, लेकिन अब जो मालखाना जो ये इसमें अप्रैल की बात है, तो जो मालखाना के जो हैंडओवर करने के लिए मदवाई सामान करने के लिए बताया गया, तो उस समय ये पता लगा कि वो पुलिस चौकी के पीछे की तरफ जो एक अलमारी है, उसकी अलमारी को तोड़ करके और जो पूरा डोडा चूरा कोई अज्ञात चोर चुरा करके ले गए। जागरूक टीवी के बाड़मेर से खास रिपोर्ट।